इस वक्त हमारे साथ हैं नैसकॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर सर। जिस तरीके से चाइनाज इकॉनमी स्लो डाउन हुआ है, क्या ओवरऑल हमारी इकॉनमी को ये बहुत गहरा इम्पैक्ट करेगा? देखिए, कुछ हद तक तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो मेन ड्राइवर्स ऑफ द इकॉनमी है और चाइना के जो मेन ड्राइवर्स ऑफ द इकॉनमी या उनके स्लोडाउन के जो कारण हैं, वो एकदम अलग तरह के फैक्टर्स हैं। और जो इस वक्त जो चाइना का डिवैल्यूएशन, करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है, जैसे उसका प्रभाव आईटी सेक्टर पे हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम ये नहीं समझते हैं कि ज़्यादा असर होगा, पर उसका जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबली जो इम्पैक्ट हो सकता है, उसके वजह से आईटी डिमांड और आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली उस पर क्या असर हो सकता है, उसको देखने की ज़रूरत है और ज़रूर हम उस पर ध्यान रखेंगे और रखने की ज़रूरत है। किस तरह के प्रोएक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट पहले से उठा सकती है, क्योंकि अमेरिका पहले ही वहाँ के चुनाव के चलते हमारे खिलाफ में वीज़ा फी बढ़ा रहा है, तमाम जो कंजर्वेटिव स्टेप्स है वो उठा रहा है। अब चाइनीज इकॉनमी का इम्पैक्ट अगर कहीं डायरेक्ट वे में पड़ता है हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर, तो कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, हमने ये कहा है और हमने ये इस पे ज़्यादा जोर दिया है कि इस वक्त हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया के कई देशों जिनके साथ आईटी में हमारा ज़्यादा ट्रेड है, आपको पता होगा कि इस वक्त आईटी इंडस्ट्री 150 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ का एक इंडस्ट्री है और सबसे बड़ा है इस देश में, और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इससे रोज़गार मिलती है।